आप यहाँ पे ये चटनी का टेक्सचर देख सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया ये चटनी यानी ठेचा बन गया है। ये हमारी मटर की चटनी यानी मटर का ठेचा रेडी है। और ये चटनी एकदम कम इंग्रेडिएंट में और इंस्टेंट बनती है। तो आप ये मटर की चटनी यानी ठेचा जरूर बनाकर देखिए। एकदम टेस्टी और बढ़िया बनती है ये मटर की चटनी। और अगर आपने अश्विनी किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनी किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। गैस चालू कर देते हैं। यहाँ पैन में हम ये 2 स्पून ऑयल डाल देते हैं। गैस हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। यहाँ पे ये लहसुन को मैंने बड़े बड़े पीसेस में ही कट करके लिया है। उनको ये ऑयल में डाल देते हैं। अब ये लहसुन को बस 1 मिनट हम ऑयल में फ्राई करके लेंगे। और ये लहसुन को डालते टाइम कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, बहुत सारा डालिए, क्योंकि ये लहसुन का एकदम बढ़िया फ्लेवर ये मटर की चटनी यानी ठेचा को आता है। अब ये लहसुन को हमने 1 मिनट अच्छे से ऑयल में फ्राई करके लिया है। यहाँ पे ये 6 हरी मिर्च को मैंने बड़े बड़े पीसेस में ही कट करके लिया है। उनको भी हम ये ऑयल में डाल देते हैं। अब ये हरी मिर्च को भी हम ये लहसुन के साथ 1 मिनट ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लेंगे। अब लहसुन और ये हरी मिर्च इन दोनों को हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लिया है। ये यहाँ पे 1 कप फ्रेश मटर के दाने मैंने लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिर्फ छोटे छोटे मटर के दाने मैंने लिए हैं। बड़े बड़े साइज के मटर के दाने नहीं लिए हैं, क्योंकि ये छोटे मटर के दाने जल्दी पक जाते हैं और उनका ठेचा और चटनी एकदम बढ़िया भी बनती है। अब ये मटर के दानों को भी हम ये लहसुन और हरी मिर्च के साथ ऑयल में 1-2 मिनट अच्छे से फ्राई करके लेंगे। ये मटर के दाने भी ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ये नमक डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम लो कर देंगे और ढक्कन रखकर 1-2 मिनट हम ये मटर के दानों को ये स्टीम में ही पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन निकाल देते हैं और ये स्पून से ये मटर के दानों को अच्छे से हिलाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, तो ये मटर के दाने नीचे से जलने के चांसेस है। अब वापस इसके ऊपर ढक्कन रखकर और 1-2 मिनट हम ये मटर के दानों को पकने देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं। ये देखिए ये मटर के दाने अच्छे से पक गए हैं। अब क्या करेंगे, ये मैशर से ये मटर के दाने, हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से मैश करके लेंगे। अगर आपके पास ये मैशर नहीं है तो आप स्टेनलेस स्टील के ग्लास से भी ये मैश कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आप इसको मिक्सी में ग्राइंड मत कीजिए, क्योंकि उससे एकदम फाइन पेस्ट ये चटनी की बन जाती है। इसलिए ये मैशर से ही मैश कीजिए, इससे एकदम बढ़िया टेक्सचर ये चटनी को आ जाता है। ये देखिए हमने ये मटर के दाने अच्छे से मैश करके लिए हैं। आपको यहाँ पे ये मटर की चटनी यानी ठेचा का टेक्सचर मैं दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया ये चटनी यानी ठेचा बन गया है। और उसके साथ ही हमारी ये मटर की चटनी यानी ठेचा भी बन के रेडी है। गैस बंद कर देते हैं। अब ये चटनी यानी ठेचा को हम प्लेट में निकाल देते हैं। ये हमारी मटर की चटनी यानी मटर का ठेचा रेडी है। और ये चटनी एकदम कम इंग्रेडिएंट में और इंस्टेंट बनती है। तो आप ये मटर की चटनी यानी ठेचा जरूर बनाकर देखिए। एकदम टेस्टी और बढ़िया बनती है ये मटर की चटनी।